साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा प्रेरकों ने मानदेय वृद्धि की मांग सहित अपनी कई मांगों को लेकर आज वृक्षाटन किया। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वर्ष 2011 में साक्षर भारत अभियान के तहत ग्राम स्तर पर एक पुरुष और एक महिला प्रेरक 2,000 रुपये और ब्लॉक समन्वयक एवं जिला समन्वयकों को 6,000 रुपये प्रतिमा मानदेय देने पर नियुक्ति की गई थी, जो आज भी उसी मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। जिला प्रेरकों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार को अन्य कर्मचारियों के तहत शिक्षा प्रेरकों में मानदेय में वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन हमारे बार बार मांग करने के बाद भी हमारी मांगों को अनसुना किया जाता है। यहाँ तक कि 2 वर्षों में हमारे मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षा प्रेरकों में परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। आज इसके विरोध में प्रेरकों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही भीख मांगकर अपनी स्थिति को भी दर्शाया। शिक्षा प्रेरक संघ ने जिला अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वर्ष 2014 से हमारे मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जो तत्काल किया जाए, साथ ही शिक्षा प्रेरकों को अवकाश निर्धारित किया जाए। 12 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार मानदेय नहीं दे रही है प्रेरकों का, जिससे समस्त प्रेरक BCDC और हमारे साक्षरता कर्मी आज भुखमरी के कगार पर खड़े हो गए हैं। हम और हमारे परिवार सहित सभी लोग आज भुखमरी के कगार पे खड़ा होने के नाते हम लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हैं और भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करने का उद्देश्य सरकार को यह दिखाना है कि हम लोग भिक्षाटन करेंगे, हम लोग बूट पॉलिश करेंगे। अगर सरकार हम लोगों का मानदेय नहीं देती है तो आने वाले दिनों में हम लोग बूट पॉलिश भी करेंगे और काली पट्टी बांध कर विरोध भी करेंगे। और हम मांग करते हैं सरकार से कि अगर जल्द से जल्द हमारा मानदेय भुगतान नहीं हुआ तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे।